इस समय आया हूँ कतनियागाट वन्य जीव प्रभाग के ककरा रेंज में। यहाँ पर जो है ये घने जंगलों के बीच से होकर सरयू नहर गुजरी है। ये नहर जंगली जीवों के लिए काफ़ी सुखद है, क्योंकि जंगली जीव यहाँ पे पानी पीने जरूर आते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इसकी पूरी देखो आगे वो भी है, मड़ा भी है। चलो चलो बढ़ाते रहो धीरे धीरे। चला गया अंदर, अब की अंदर चला गया। इसका मतलब इसी पोस्ट के आसपास रहता है। आपको बता दें कि इस वन्य क्षेत्र में लगभग 59 बाघ, 200 से 250 तेंदुए, 200 से 250 हाथी और कम से कम 7000 हिरण पाढ़ा आदि पाए जाते हैं। यहाँ जंगली सुअर भी काफ़ी मात्रा में हैं, जिससे आए दिन ये सभी जंगली जानवर यहाँ जंगल से बाहर निकलकर गांव में हमला करते हैं, जिससे ग्रामीणों की कभी कभी जान भी चली जाती है और काफ़ी परेशान हैं। इस संबंध में इसका अब तो ये लगने लगा है कि शायद इतने वन्य जीव हो गए हैं कि जंगल का दायरा भी छोटा पड़ रहा है। आज यहाँ कतनियाघाट वन्य जीव प्रभाग में आया हूँ। यहाँ तेंदुए के हमले इस समय तेज हैं, जगह जगह पर तेंदुए देखे जा रहे हैं। अभी दो दिन पहले कतनियाघाट वन्य जीव प्रभाग के धर्मापुर वन रेंज के बीट संख्या 16 में तेंदुए ने एक किसान को उसके खेत में जाकर हमला कर दिया, भीड़ रूप से घायल हो गया। और उसी दिन सुजौली वन रेंज के अंतर्गत अयोध्यापुरवा गांव में रात को एक लड़की पे हमला कर दिया, जिस तरह रो गई। दो एक लड़की जो है वो लखनऊ मेडिकल कॉलेज में जीवन संघर्ष कर रही है, जबकि किसान बहराइच जिला अस्पताल में भर्ती है। तो ये इलाका कतनियाघाट वन जीव प्रभाग का मोतीपुर रेंज का है। यहाँ पर भी आज के दो दिन पहले से लगातार तेंदुए सिंचाई कॉलोनी की चहल दीवारी पे, थाने की चहल दीवारी पे। इस समय कतनियाघाट वन्य जीव प्रभाग के मोतीपुर रेंज में सिंचाई कॉलोनी के पास मौजूद हो। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं जिनसे तेंदुए के संबंध में वार्ता करते हैं। आपका क्या नाम है? अच्छा, तो ये अभी यहाँ के तेंदुआ आ रहा है का? कहाँ कहाँ पर देखा गया? यहाँ पर दिवाली पे चढ़ जाता है, कभी कभी यहाँ पे खड़ा रहता है। एक दिन तो मेरे सिराने खड़ा, हम जा रहे गए, कुत्ता है खड़ा। अबे दो दिन जस्ट पहले तो यही निकला है, आगे पुलिया है वहाँ पे निकला था, और हम लोग देखने गए थे तो लाइट वाइट जली तो अंदर खड़ा गया था। निकलता है डेली में, एक दिन में दो बार, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन निकलता है। इस प्रकार दो जो है, इस प्रकार जो है, आइए और कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम उमेश है। अच्छा, ये क्या यहाँ तेंदुआ निकल रहा है? दो तीन बार मैंने भी देखा, यहाँ से यहाँ इधर पे आया, छलांग मार के इसके गया है। हम तकते सोए थे तब देखे थे। अच्छा, तो हमला तो नहीं किया? नहीं, हमला तो नहीं किया है अभी, पर डर है, बच्चे लोग रहते हैं यहाँ पे तो डर तो रहेगा सर। अच्छा, तो ये है मोतीपुर रेंज का सिंचाई कॉलोनी मोतीपुर, जो जंगल से सटे जो है बसा हुआ है। और यहाँ पर आए दिन तेंदुए चहल दीवारी पे घर के सामने घर देखे जा रहे हैं। इस समय मौजूद हूँ कतनियाघाट वन्य जीव प्रभाग के धर्मापुर रेंज में। यहाँ अभी दो दिन पहले एक किसान पे एक तेंदुए ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, और उसी दिन रात को सुजौली रेंज के अयोध्यापुरवा गांव में घर में घुसकर एक बच्ची को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। दोनों का इलाज मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। अभी बीते दो दिन पहले से कतनियाघाट के ही मोतीपुर रेंज सिंचाई कॉलोनी की चहल दीवारी पर तेंदुआ
चहलकदमी करते हुए दिखाई दिया। यही नहीं, इसके बाद मोतीपुर के थाने में भी पहुंच गया, जहां पर लोगों ने सीसीटीवी कैमरे में किया। इस समय तेंदुए की घटनाएं कतनिया घाट वन जीव प्रभाग के किनारे बसे कटे ग्रामीण क्षेत्रों में बराबर हो रही हैं, जिससे ग्रामीणों में भय एवं दहशत का माहौल है। अब ये देखिए, ये कतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के ककराहा रेंज में हसुलिया के पास का यह दृश्य है। ये देखिए, वो बड़ी दूर शायद कोई जंगली जीव दिख भी रहा है। अब ये कौन सा जीव है, ये जो है ये खतरे से खाली नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।